नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज शतक पे। दोस्तों, पहला लाइव है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है और मैं थोड़ा लेट से भी आया हूँ लाइव पे, क्योंकि लाइट नहीं था और लाइट ना होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। मगर अगले संडे को मैं पक्का 8 बजे लाइव आऊँगा और आप लोग के बीच रहूँगा, और आपको जो भी पूछना है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे, और अगर इस वीडियो पे आप आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आपके पास जो भी सवाल हो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और आप लाइव में आ जाते तो हो सकता है मैं आपको लाइव में ही जवाब दे सकता था, और मैं बाद में भी कमेंट देखता हूँ और उसका जवाब देता हूँ, सारे कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगले संडे को मैं पक्का 8 बजे लाइव आऊँगा, तो अगले संडे को आप लोग मिस मत कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा और अपने सवालों को रखिएगा। मेरे पास जो भी जानकारी होता है सांख्यिकी स्वयं सेवा का, वो आप ही लोग के माध्यम से मिलता है और आप लोग के पास ही मैं आप वो सब जानकारी देता हूँ। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। और दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ कि अभी क्या हुआ है, तो अभी कोई जानकारी नहीं है। और जो राकेश झा जी ये पोस्ट किए थे फेसबुक पे, उस पे लिखे थे 16,800 कुछ लोगों का कुछ लेटर दिखा रहे थे, तो उसके बारे में इतना ही जानकारी मिल गया है कि वो शायद कहीं आवेदन दिए थे, उस आवेदन का वो जवाब मिला था बिहार सरकार को, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इतने लोगों को रोजगार दिया जाए, 16,800 के करीब में लोगों को रोजगार दिया जाए, ये केंद्र सरकार बिहार सरकार को बोली है। और इसके अलावा भी और कोई जानकारी होगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे कि राकेश झा जी जो फेसबुक पे डाले हैं, तो उनसे तो अभी बात नहीं हो पा रहा है, और बात होगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा कि क्या हुआ, जो लेटर वो अपने फेसबुक पेज पे डाले थे उसका क्या हुआ। और दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे जो भी डालता हूँ बिल्कुल रियल चीज़ डालता हूँ और सच्चाई से भरा हुआ न्यूज़ डालता हूँ, और जो भी हमसे हो सकता है मैं आप लोग का हेल्प करूँगा और आप लोग का सपोर्ट करते रहूँगा। तो दोस्तों, यह मेरा छोटा सा लाइव है, आप लोग लाइव में अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो बाद में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।